आइए बैठिए। थैंक यू सर। सात्विक अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम सात्विक श्रीवास्तव है। मैं उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले का निवासी हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल हरदोई से प्राप्त की। इसके पश्चात मैंने स्नातक की उपाधि बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से MNIT जयपुर से प्राप्त की। इसके पश्चात से मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट मेंस और फर्स्ट इंटरव्यू है और मेरी हॉबीज़ है मेडिटेशन। मेडिटेशन, अच्छा। ये मेडिटेशन जी सर को हिंदी में क्या कहते हैं? सर ध्यान योग। ध्यान योग, यस। आपने कुछ हिस्ट्री भी पढ़ी होगी? जी सर। तो इतिहास में इसका पहली बार उल्लेख कहाँ आता है? सर इंदस वैली सिविलाइजेशन में जो पशुपतिनाथ की सील थी उसमें महायोगी का जो अवतार देखा गया वो एक मेडिटेशन पोस्चर में देखा गया था। तो सबसे पहले सर मुझे जो रिकॉल हो पा रहा है वो हिस्ट्री है या प्रोटो हिस्ट्री है? सॉरी सर, प्रोटो हिस्ट्री है। हिस्ट्री में बताइए। सर हिस्ट्री में बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ये दो ऐसे रिलीजन्स हैं जिन्होंने सर मेडिटेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्फेसिस किया है। और स्पेशली जो बुद्धिज्म रिलीजन है उसका तो बेस जो है वो भी राइट माइंडफुलनेस मेडिटेशन के ऊपर है सर। और ये जो और पतंजलि का जो योग है ये कब का है? सर ये भी हिस्टोरिकल पीरियड से ही है सर। किस सेंचुरी में पतंजलि थे? सर मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ शायद गुप्ता पीरियड से थे सर, मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ सर। अच्छा, गुप्ता पीरियड में थे। अयोध्या चर्चा में है जी सर, उसके पीछे क्या कारण है? सर राम मंदिर का, राम जन्मभूमि का इनॉग्रेशन होने वाला है 22 जनवरी को। इसके अलावा उत्तर प्रदेश बजट में राम जन्मभूमि का इनॉग्रेशन है या राम मंदिर का है? सर राम जन्मभूमि पे जो मंदिर है बनने जा रहा है उसका इनॉग्रेशन है। इसके अलावा सर अयोध्या एक सेंटर रहा है उत्तर प्रदेश के जितने भी प्रोग्राम्स हैं। तो बजट 2023-2024 में अयोध्या को एक सोलर सिटी के तौर पे विकसित किया जाना और वहाँ पे टाउनशिप पॉलिसी का लागू होना, इन तीन विषयों के रूप में अयोध्या चर्चे में रहा है सर। उत्तर प्रदेश को इससे नेट फ़ायदा क्या होगा अगर अयोध्या पर इतना निवेश किया है सरकार ने? जी सर। तो क्या आप लाभ उम्मीद में रख सकते हैं, अपेक्षित लाभ क्या है? सर अयोध्या एक हब है रिलीजियस टूरिज्म का बहुत पहले से सर। अभी इतने लार्ज स्केल में जहाँ पे वर्ल्ड के बहुत सारे रिलीजियस लीडर्स भी आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सर ये एक फॉरेन टूरिज्म को भी बढ़ावा देगा। इसके साथ जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी प्रमोट होगा सर, क्योंकि कई सारी पॉलिसी जैसे जो टाउनशिप पॉलिसी है वो अयोध्या पे लॉन्च की गई है, उसको एक सोलर सिटी बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे प्रयासों से सर वहाँ का जो स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप हो रहा है एंड सेकेंडली वहाँ का जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है सर, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं सर, वो इम्प्रूव होंगी, क्योंकि वो अभी तक सर मुझे ऐसा लगता है कि वो निचले स्तर पर। ODOP है अयोध्या का, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट? सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा, हरदोई का क्या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है? सर हैंडलूम। हैंडलूम सर, हाथ के बिने हुए कपड़े। हाँ, कुछ खास क्या बनता है, किस तरह के कपड़े बनते हैं? सर मोचा के कपड़े बनते हैं, लॉइन के कपड़े बनते हैं। इसके अलावा कई कई जगह पे चिकनकारी का भी काम होता है, वो जो लखनऊ के क्लस्टर से कनेक्टेड हैं। सालाना जो मेले लगते हैं वहाँ पर सर हाथ की बुनाई के कई सारे वुलन के भी कपड़े बन जाते हैं। कितने ज़िले आपके हरदोई डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर शेयर करते हैं? सर 6 जिले होंगे। कौन कौन? सर सबसे पहले लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, शाहजहाँपुर, सर कानपुर देहात एंड एक मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, सॉरी सर। कन्नौज। कन्नौज, यस सर। चलिए, बहुत अच्छा। सात्विक नाम तुम्हारा बहुत अच्छा है, सात्विक का मतलब क्या है पहले तुम्हें बताओ। सर सात्विक का अर्थ है सर सत्यनिष्ठ और पवित्र। प्लेटो एक थिंकर हुआ है जी सर, उसने भी माना है कि हर जो आत्मा जो संसार में पैदा होता है इंसान जी सर, उसके तीन क्वालिटीज होती है। तो उसमें वो कहता है कि एक होता है सत्व, दूसरा होता है रज और दूसरा होता है तम, जो कि गीता में आता है। तो सत्व का मतलब क्या है? मतलब सर सत्व से क्या मतलब है? जी सर, मतलब सर ऐसे गुण जो सर एक तरीके से प्योरिटी को सिंबलाइज करते हैं। अगर हम सर फिजिकल तौर पे देखा जाए
तो सत्य बोलना, दूसरों की मदद करना, सात्विक भोजन को ग्रहण करना, इस तरीके की चीज़ें सर। अरिस्टोटल को कभी सुना आपने कि वो फादर ऑफ पॉलिटिकल थॉट कहा जाता है उसको, राजनीति का पिता कहते हैं, कभी ऐसा अध्ययन किया आपने? सर मैंने सुना है बट बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है सर। क्यों कहा जाता होगा पिता? अरिस्टो को कहते हैं ना कि फादर ऑफ पॉलिटिकल थॉट। सॉरी सर, राजनीति कोई बात नहीं, नॉलेज नहीं, कोई बात नहीं। कितने संविधान में हमारे टोटल अनुच्छेद हैं इस समय? सर ऑरिजिनली सर 395 है, इस समय सर बढ़ के 440 से ज़्यादा है सर, करेक्ट नंबर नहीं पता है। अच्छा खैर, तो वैसे बात बताने वाली बात है, लेकिन आर्टिकल 395 ही कहे जाएंगे। अच्छा, जो रेस्ट ऑफ आंसर है वो कभी भी सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो एडिशंस है, ओरिजिनल नहीं बढ़े आर्टिकल 395 में। इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है किस संविधान के आर्टिकल में? सर आर्टिकल 1 में ही ये दिया हुआ, आर्टिकल 1 में ही दिया हुआ है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जी और फंडामेंटल राइट्स जी, दोनों चैप्टर्स हैं जी सर। दोनों में फ़र्क क्या है? फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कानून की दृष्टि से क्या फ़र्क है? जी सर, सर बेसिकली जो फंडामेंटल राइट्स हैं सर वो जस्टिसिएबल हैं, इन्फोर्सेबल हैं बाय द कोर्ट। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सर इसलिए बनाए गए कि स्टेट अपने फाइनेंशियल और मटेरियल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग स्टेट में डेवलपमेंट कर सके, वो इन्फोर्सेबल नहीं है सर। जैसे कोई DPSP अगर पूरा नहीं होता है तो हम कोर्ट नहीं जा सकते सर, बट अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वो कोर्ट के थ्रू आर्टिकल 32 के थ्रू हम कोर्ट से मदद ले सकते हैं और उनको इन्फोर्स करा सकते हैं। हम लोगों की एक संस्था है वर्ल्ड लेवल पर, यूनाइटेड नेशंस जी सर। यूक्रेन और रशिया का अभी युद्ध हुआ, अभी चल ही रहा है, ख़त्म नहीं हुआ। इस बीच में इसराइल और हमास के बीच युद्ध हो रहा है। आपको लगता है कि यूनाइटेड नेशंस अपना काम बखूबी कर रहा है? कई सारे चैलेंजेस इस समय देखने को भी मिल रहे हैं सर जी। सबसे पहला तो सर जो उसके जो वीटो पावर्स हैं जो उसके परमानेंट मेंबर्स को हैं, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है सर, क्योंकि उससे कोई भी उन कंट्री के ऊपर कोई अगर इशू आता है तो जैसे रशिया और यूक्रेन का वार है तो रशिया के ऊपर अगर सैंक्शंस लगते हैं UNSC में तो वीटो पावर से तो वो उसको ओवरकम कर जाता है सर, जिसकी वजह से कई सारे ऐसे डिसीजंस हैं जो UNSC नहीं ले पाती। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज सर ये है। इसके अलावा जो सर सीज फायर होना चाहिए कंप्लीट, उसके लिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जो भी रेजोल्यूशंस पास होते हैं वो एक तरीके से बाइंडिंग अप्रोच नहीं रखते, उस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाते हैं सर। तो कहीं ना कहीं वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट ही बन के रह जाता है, प्रैक्टिकल तौर पे जो हॉस्टिलिटीज़ हो रही हैं गाजा स्ट्रिप में वो नहीं रुक पाई हैं। एक शब्द होता है कि हमारा ये मौलिक अधिकार है, एक शब्द है हमारा अधिकार है जी। तो ये मूल अधिकार जिसे फंडामेंटल राइट कहते हैं जी, और दूसरा हमारा अधिकार है या जैसे लीगल राइट्स कहते हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क है? सर सबसे पहला जो मूलभूत तो अंतर यही है कि फंडामेंटल राइट एक बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का जी, और इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसलिए मौलिक माना है ताकि जो हमने पहले की प्रॉब्लम्स हमारी कंट्री ने झेली हैं जैसे अनटचेबिलिटी और अन्य प्रकार के सोशल सीन्स हैं वो इंडिपेंडेंस के बाद ना रहें। और ये इतनी ज़रूरी राइट्स हैं जो सिटीजन्स के वेलफेयर को इंश्योर करते हैं। लीगल राइट जैसे सर राइट टू वोट या राइट टू एक्वायर द प्रॉपर्टी, ये इसलिए हैं सर कि एक तरीके से ये लॉ के थ्रू इन्फोर्स होते हैं, बट ये फंडामेंटल नहीं कही जाएंगे क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं है, इनको कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश इज ऑल्सो इंग्लिश इज ओके और हिंदी चलेगा? हिंदी में ज़्यादा कम्फर्टेबल है। उत्तर प्रदेश राज्य को एक्सप्रेस वे राज्य भी कहा जाता है जी सर, क्या कारण है इसको यह नाम देने का? सर कुछ वर्षों से सर कई सारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, जैसे गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ताकि पूरे यूपी में जो वेस्टर्न, नॉर्थर्न, साउदर्न और ईस्टर्न पार्ट्स हैं उनकी कनेक्टिविटी हो सके, एक्सपोर्ट हो सके और ट्रेड के कोई इशूज़ जो पहले रहे हों अन्य नेबरिंग स्टेट्स के साथ वो कम हो सकें। तो एक्सप्रेसवेज के थ्रू इनका विकास किया जा रहा है, इसलिए शायद इसको एक्सप्रेसवे स्टेट कहा गया है सर। एक्सप्रेसवेज को बनाने में या इंडस्ट्रियल सेंटर्स को खड़ा करने में भूमि की आवश्यकता पड़ती है जी सर, तो ये भूमि का अधिग्रहण जो है इसके लिए उत्तर प्रदेश की पॉलिसी है सरकार की? सर मुझे रिकॉल हो पा रही है लैंड एक्विजिशन पॉलिसी के नाम से, बट मैं पूरी तरीके से श्योर। लैंड एक्विजिशन एंड रिहैबिलिटेशन एक्ट जो है जी। तो LARR और लैंड पूलिंग एक कॉन्सेप्ट है, क्या आप समझते हैं लैंड पूलिंग को, आपने पढ़ा है कभी? सर
सर मैं क्या गैस कर ट्राई कर सकता हूँ सर, पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ सर। शायद कम्युनिटी के जितने भी फ्रेगमेंटेड लैंड्स हैं उनको इकट्ठा करना सर, मतलब उनकी जो ओनरशिप राइट्स हैं वो इस तरीके से इंटीग्रेट करना कि वो उसको एक इंडस्ट्रियल पर्पज़ से या गवर्नमेंट पर्पज़ से यूज़ किया जा सके, शायद इसको लैंड पूलिंग कहते हैं। एक आजकल बड़ा कॉमन टर्म चल रहा है समाज में, और समाज में नहीं चल रहा, इंटरनेशनल इशू भी यही है, जिसको बोलते हैं डंकी रूट। क्या है ये डंकी रूट? सो बेसिकली इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए और अपनी अच्छी इनकम के लिए जो सोशल और इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं कंट्री के, वो इलीगल रूट के थ्रू डेवलप्ड कंट्रीज़ में माइग्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसका रास्ता वैसे तो सर बाई एयर होना चाहिए, बट इलीगली वो रेड सी के माध्यम से यूरोप में पहुंचने की कोशिश करते हैं, और वो पूरा इलीगल रूट को ही डंकी रूट कहा जाता है सर। ओके, ये हमेशा लैंड बेस्ड ही होगा या एयर बेस्ड नहीं हो सकता? तो मुझे जितना पता है लैंड और सी बेस्ड ही है, क्योंकि एयर बेस्ड तो सर लीगली उसके लिए पेपर्स होते हैं जो चेक होते हैं। तो अगर वो अभी फ्रांस में एक इंडियन एयरप्लेन को रोका गया था, जी सर, क्यों रोका गया था और उसका डंकी रूट से कोई कनेक्शन हो सकता है? सर वो ससेप्टिबल था कि शायद वहाँ पे जो इंडियन पीपल हैं वो किसी भी कोई स्कैम से रिलेटेड हैं, इसलिए उसको फ्रांस पे रोक लिया गया था। बट अब सेफली उन सारे इंडियन पैसेंजर्स को सर इंडिया ले आया गया है, और सर इसका संबंध है क्योंकि जो सारे इंडियन पैसेंजर ले आए थे हम लोग, नहीं सर शायद 20 पैसेंजर्स नहीं आ पाए सर, और उसका पूरा संबंध सर इलीगल माइग्रेशन की वजह से ही है। अच्छा, आपने बताया योग भी आपको पसंद है, आप उसको जानकारी रखते हैं? सर मैं मेडिटेशन पे फोकस करते हैं। अच्छा, मेडिटेशन पे फोकस करते हैं, चलिए अच्छी बात है। तो महाशंभु मुद्रा क्या है? सर अगर हम डीप ब्रीथिंग के साथ साथ अपनी जो आँखों की जो ऊपर की पुतलियाँ हैं उसको सर थर्ड ये जो यहाँ पे चक्र है सर इस पर फोकस करते हैं, तो ये सांभवी मुद्रा कही जाती है। इसको अलाइन किया जाता है सर ब्रीथिंग के साथ साथ। तो डीप ब्रीथिंग, सॉफ्ट ब्रीथिंग सर, रेगुलर ब्रीथिंग? नहीं सर, डीप ब्रीथिंग के साथ साथ ज़्यादा इफेक्टिव होता है, सॉफ्ट ब्रीथिंग के साथ भी सर ये यूज़ होता है, बट मैंने नहीं कभी किया। इसके क्या लाभ होते हैं? सर कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होती है, फर्स्टली हमारा माइंड और ज़्यादा काम हो जाता है, जितने जो रैंडमनेस ऑफ थॉट्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। अभी इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंटमेंट को लेकर के एक मीडिया में चर्चा चली थी, क्या था ये कॉन्फ्लिक्ट? सर मैं पूरी तरीके से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, अगर हम आपसे पूछें कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक तरक्की को दर्शाने के लिए कोई दो महत्वपूर्ण तथ्य रखें, तो आप कौन सी दो बातें रखना चाहेंगे? सर जो सॉरी सर जो फैक्ट्स हो चुके हैं, मतलब जो इंसिडेंसेस घटे हैं उनके लिए फैक्ट्स, जो फैक्ट्स के थ्रू आप इस बात को एक्सप्रेस करना चाहें, जस्टिफाई करना चाहें कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक तरक्की हो रही है। ठीक है सर। सर पहला फैक्ट तो ये है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट है सर, जो अभी रिसेंटली हुई थी G20 समिट के अंडर में, उसमें 33.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऑल थ्रू आउट द ग्लोब से यूपी में आया था। अपार्ट फ्रॉम दैट 92.5 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई थी। ये दर्शाता है सर कि हमारा जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और इससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी होगी और यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। सेकेंडली सर मैं एग्जैक्ट फिगर्स नहीं याद कर पा रहा हूँ, बट जैम ट्रिनिटी जो जनधन अकाउंट्स आधार और मोबाइल ट्रिनिटी है उसके थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी बहुत बड़ा फ़र्क आया है सर, और बहुत सारे लोग जो रूरल एरियाज से थे, जो बिलो पॉवर्टी लाइन थे, उनको बैंक अकाउंट से जोड़ा गया, उनको मोबाइल की सर्विसेज प्रोवाइड की गई आधार के बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से, जो पहले गवर्नमेंट सर्विसेज से वो नहीं लाभ ले पाते थे, अब वो उन सारी सर्विसेज से जुड़ गए हैं। उसका एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है सर, बट वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है। ये भी एक इकोनॉमिक तरक्की का सर एक मीडियम है सर। ठीक है, नाउ योर इंटरव्यू इज़ ओवर।